नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर दानापुर से है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बिहार इकाई एवं यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन और इंडिया बिहार स्टेट ब्रांच की ओर से दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के बीच कोरोना संक्रमण को ध्यान में रख स्वास्थ्य सुरक्षा किट और लेखन सामग्री का वितरण किया गया। वहीं इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। चूँकि पूरे विश्व में कोरोना संक्रमक जो है का कहर है, लोग भयभीत हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है। इस माहौल में हमारे इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्र अध्यक्ष के विक्रम राव का दिशा निर्देश आया है कि इस परिस्थिति में कोई भी आयोजन नहीं करना है। तो हम लोगों ने बिहार इकाई जो है, IFWJ का बिहार इकाई जो है, दानापुर, खगौल, फुलवारी आसपास के पत्रकारों के बीच जो जान को जोखिम में डाल करके समाचार संकलन कर रहे हैं, योद्धा की तरह कोरोना योद्धा में अपना भागीदारी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बीच जो है स्वास्थ्य किट और लेखन सामग्री का वितरण कर रहे हैं हम लोग आज। और इस दिवस पर जो 2020 का जो थीम है, निडर होकर के, निष्पक्ष होकर करके पत्रकारिता करना, तो निश्चित रूप से अगर हम जो चौथा स्तंभ हैं, अगर इस हमारा निश्चित रूप से ये थीम जो है बहुत उपयुक्त है कि हम चौथा स्तंभ अगर कमज़ोर पड़ेंगे तो हमारा जो है लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से हम पत्रकारों को कहेंगे कि निडर होकर करके पत्रकारिता करें। लेकिन वही सवाल उठता है कि हमारी सुरक्षा का, तो सरकार, प्रशासन और मीडिया हाउस से हम यही कहेंगे, यह तभी संभव है जब मीडिया कर्मी का जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनके मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। आज विश्व पत्रकारिता दिवस है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस दिवस पर यही कहना चाहते हैं कि जो इसका थीम है वो है निडर होकर के बिना पक्षपात का पत्रकारिता करना। तो हम पत्रकारों को यही कहेंगे, यह मेरा जो है कर्म भी है, धर्म भी है पत्रकारिता, तो इसमें पूरी निडरता के साथ पर बिना पक्षपात किए हुए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। तो अगर हम इसमें पक्षपात करेंगे तो मीडिया का, पत्रकारिता का मतलब नहीं होता। लेकिन यह तभी संभव है जब सरकारी तंत्र, प्रशासन और मीडिया हाउस इस बात को ध्यान रखे, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखे और हमारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे, तभी यह संभव है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे यूनियन IFWJ बिहार इकाई की तरफ से, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की तरफ से, जो पत्रकारों के लिए कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सुरक्षा किट और पत्रकारों का सबसे बड़ा हथियार कलम लोगों को भेंट करके, ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिसके लिए मैं मोहन जी, सुधीर मधुकर जी और हमारे बिहार के अध्यक्ष ध्रुव कुमार जी, डॉक्टर ध्रुव कुमार को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि हम भी इस इकाई का एक सदस्य हैं और जो हमारे यूनियन की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, जो पत्रकारों के हित में जो भी मांग किया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है। और हम आशा करते हैं कि हमारा यूनियन, हमारा संस्था आगे भी इसी तरह से कार्य करता रहे, ताकि हम जैसे छोटे पत्रकार, कस्बाई पत्रकार को एक
उचित मुकाम भी मिल सके, एक पहचान मिल सके, उनका कल्याण हो सके। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से आशय आम आदमी के उसके मूल अधिकारों की स्वतंत्रता से है। मीडिया जनता की आवाज है, पत्रकार वो सब बातें जो लोगों के मन में होती है, जो सरकार से सत्ता से सवाल होते हैं, वो पत्रकारों के माध्यम से लोगों के सामने आता है। निश्चित तौर पर आज का दिवस एक तरह से वायदा है पत्रकारों की तरफ से, मीडिया कर्मियों की तरफ से, कि हम बहुत निष्पक्ष रहेंगे, हम बिना किसी भेदभाव के, हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, हम सच को सामने लाएंगे। और ये बहुत जरूरी है किसी भी सभ्य समाज के लिए, सभ्य राष्ट्र के लिए। शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस बात के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में आज के दिन को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। और हम सब पूरी दुनिया के लोग जो प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, वो इस दिवस को मनाते हैं। दिक्कत यह है कि अभी हम हाल में देख रहे हैं किस तरह से कोरोना COVID-19 के कारण जान जोखिम में डालकर पत्रकारों ने मानवता की सेवा की, सच को सामने लाया, कोशिश की कि सरकार की मदद हो सके, जितनी मदद हो सके वो की जाए, क्योंकि ये लड़ाई पूरी मानवता की लड़ाई थी, पूरी दुनिया में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या इन परिस्थिति में जिस तरह से पत्रकारों ने काम किया, जान जोखिम में डालकर, भेदभाव उनके साथ होने लगा है। सूचना मिली है कि कई मीडिया हाउस मार्च अप्रैल की तनख्वाह उन्हें पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, या तो नहीं दे रहे हैं या फिर उसमें कटौती कर रहे हैं। कई राज्यों ने कोरोना के कारण मरने वाले लोगों की संख्या सही सही नहीं पहुंचाने देने का दबाव पत्रकारों पर डाला है। कई ऐसे सामने आए, कई राज्यों की इस तरह की बातें सामने आई है पत्रकार मित्रों के माध्यम से। ये कहीं ना कहीं से बाधा है। ऐसे में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की मान्यता खतरे में पड़ने लगती है। जरूरत है कि हम ऐसे समय में एकजुट हों, और ये ऐसा माहौल हम सब क्रिएट कर सकते हैं कि जो सच है, जिसके लिए प्रतिबद्ध हैं पत्रकार मीडिया कर्मी, जिसके लिए दिन रात लगे रहते हैं, वो जनता के प्रति समर्पण उनके कार्यों में दिखे। और इसमें मीडिया हाउसेस भी सहयोग करे, सरकार भी सहयोग करे, सत्ता, हालांकि सत्ता और माफिया से उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन पत्रकारों का यह दायित्व है और उस दायित्व के निर्वहन में आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। इसीलिए इस दिवस को पूरी दुनिया में पत्रकार लोगों के साथ मिलकर ये याद कराते हैं और अपनी तरफ से वायदा करते हैं कि हम आपके लिए हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं उसको सामने लाने के लिए, आपके जो अधिकार हैं, जो संविधान सम्मत हैं, उसको हम किसी भी तरह से जान की बाजी भी लगाकर पूरा करेंगे। एक बार फिर से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्रम दिवस के पश्चात 3 मई आज विश्व प्रेस दिवस, यूं कहा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सभी कलम के सिपाहियों, श्रमजीवी साथियों को हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आजकल इंटरनेट नया माध्यम है, उसके माध्यम से होने वाली पत्रकारिता को लेकर कानून भी अभी लचीले हैं, जिनका फायदा उठाकर लोग पत्रकारीय नैतिकता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि सरकार इनके खिलाफ कदम उठाने की बात करती है तो क्या बुरा है, यानी खतरा हमारे भीतर है। हमारी पत्रकारिता एक तरह से खुद पर हमले को न्योता दे रही है। कल तक जो जनता पत्रकारिता के पक्ष में खड़ी नजर आती थी, वही आज इसकी बुराई करने लगी है। पत्रकारिता से अजीज आकर लोग फेसबुक,
ट्विटर जैसे सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं। जरूरी है आज के पत्रकार अपनी आजादी की रक्षा खुद करें। एक समय था जो नैतिक सचमुच पत्रकारीय मूल्यों के प्रति वफादार होते थे वह प्रेस जगत में आते थे। आज ऐसी स्थिति है कि स्वतंत्र विचारधारा एवं नैतिक मूल्यों के साथ पत्रकारिता करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और सिस्टम से हम यह मांग करते हैं कि सरकार पत्रकारों के प्रति अपनी वफादारी निभाए। देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनके नैतिक मूल्यों को बचाए, वेतन आदि की भुगतान करें, साथ ही सुरक्षा का भी बंदोबस्त होना चाहिए। पत्रकार जब सुरक्षित नहीं होंगे निश्चित तौर पर उनकी नैतिकता भटकेगी, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होगा। धन्यवाद।